नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी 2021 के प्री में जिसका सिलेक्शन हो गया, अब आगे क्या करिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक सुन लीजिएगा। सबसे पहले आप क्या करिए, GS 1, 2, 3, 4 इसका जो ऑफिशियल सिलेबस दिया हुआ है वो हमने फ्री टेलीग्राम में उसकी पीडीएफ भी दे रखी है, इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। जितने पॉइंट लिखे हुए हैं GS 1 में, GS 2 में, GS 3, GS 4 में, ऑफिशियल सिलेबस में जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं सारे की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग मतलब कि आप उसको समझते हो और उनको अपने शब्दों में जाके एग्जाम में अगर डायरेक्टली कोई पॉइंट आ जाए तो लिख सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमने पॉइंट वाइज मटेरियल दिया हुआ है GS 1, 2, 3, 4 का। ठीक, 800 नंबर की जो GS है, सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए, ऑफिशियल सिलेबस पॉइंट वाइज आपको रटा होना चाहिए, चाहे तो प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए। मेंस में सिलेक्शन का सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र है, जितना ज्यादा आंसर राइटिंग कर सकते हैं उतना बढ़िया। अभी कितने दिन बचे हैं, देखिए 55 दिन के आसपास बचे हुए हैं, अभी बहुत हो सकता है, कुछ बहुत कुछ उखाड़ा जा सकता है। अभी भी मेंस में भी GS 1, 2, 3, 4 के लिए अगर आप फ्री वाले हमारे इनिशिएटिव का लाभ लेना चाहते हैं, हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें कुछ स्टैटिक टॉपिक के वीडियो दिए हुए हैं, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अभी थोड़ी देर बाद, उसको देख लीजिएगा। ठीक, और हो सके तो आप जितना आंसर राइटिंग कर सकते हैं करिए। ऑफिशियल सिलेबस के स्टैटिक जो पॉइंट लिखे हुए हैं इनको पढ़ना जरूरी है, इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, प्लस इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर के पॉइंट है, आजकल 2018-19-20 का अगर आप मेंस का पेपर के एनालिसिस करेंगे तो ये किस तरह से क्वेश्चन पूछने लगे हैं कि जो ऑफिशियली लिखा हुआ है स्टैटिक पॉइंट डायरेक्टली भी उससे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर उससे रिलेटेड कोई करंट अफेयर अगर चर्चा में चल रहा है तो वो भी आ सकता है। 1-1.5 साल का आप करंट अफेयर पढ़िए लेटेस्ट में, 28 जनवरी 2022 को पेपर है मेंस वाला, तो आप ये कर सकते हैं करीबन कम से कम 1 जनवरी 2021 से करंट अफेयर कम से कम जरूर पढ़िए। कई सारी जो इवेंट है कंटिन्यूटी में चलती है कि पहले कुछ हो गया अपडेट, फिर कुछ हो गया, फिर कुछ हो गया, इस तरह से आपको ओवरऑल उसकी 360 डिग्री एनालिसिस पता होनी चाहिए। कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं, न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से इशू क्या था, क्यों है, कितना है, कैसे है, कॉन्स क्या है, प्रो क्या है, क्या वे फॉरवर्ड है, लेटेस्ट में क्या गवर्नमेंट स्कीम चल रही है, सारी चीजों की क्लियरिटी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है स्टैटिक पॉइंट की, प्लस उसके साथ करंट अफेयर का यहां पे तड़का भी जरूरी है, मतलब दोनों को साथ साथ रखना है। जो पॉइंट लिखे हैं उसका करंट में क्या चल रहा है ये भी पता होना चाहिए, और लगातार आंसर राइटिंग करनी ही पड़ेगी, और कोई चारा ही नहीं। डेली का करीबन 10-12 घंटे का शेड्यूल बनाइए, ठीक है, इसमें GS 1, 2, 3, 4 के 800 नंबर है, डेली कम से कम 3-4 घंटे तो यहां पे आंसर राइटिंग पे दीजिए कम से कम, और उसके अलावा बेसिक अंडरस्टैंडिंग सारे सब्जेक्ट की जरूर क्लियर करिए GS 1, 2, 3, 4 की। 150 नंबर की हिंदी आती है, हिंदी के लिए हमारे पेड ग्रुप में सपोर्ट रहेगा, अगर आप पेड ग्रुप में आते हैं तो हिंदी के लिए हमने एक पीडीएफ रिलीज करी है, कंप्लीट है, कॉम्प्रिहेंसिव है, उस पर वीडियो बनवा देंगे आप लोग वाला, पहले वाला वीडियो जो हमने हिंदी के लिए दिया गया है यूपीपीएससी मेंस हिंदी के लिए, पूरी प्लेलिस्ट भी बनी है, आप उसको भी देख के पूरा कर सकते हैं। नए सिरे से हम उसका वीडियो बनवा रहे हैं, हालांकि कोई ऐसा अपडेट नहीं है, आप वाली प्लेलिस्ट हिंदी की जाइए, उसमें सारे एक पापा वीडियो दिया गया, बस उतना भी पढ़ लेंगे हिंदी वाला सेक्शन आपका पूरा कवर हो जाएगा, उससे हिंदी में भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लिखने की जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं, प्लस उसके 6 पॉइंट के सिलेबस है तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, 3-4-5 तरीके के पत्र लेखन आते हैं, गद्यांश से जो है आपको आंसर निकालना आता है, प्रेसी राइटिंग आती है, और प्लस ये उपसर्ग प्रत्यय वाला ये सब भी कुछ कुछ आता है। प्लेलिस्ट से देख लीजिए या पापा वीडियो देख लीजिए, हो जाएगा कवर। ऐसे के लिए आपको 3 टाइप के ऐसे लिखने पड़ेंगे 700 नंबर के, ऐसे का मतलब ये निबंध वहां कोई बंधन ही नहीं है, अगर आप जीएस की आंसर राइटिंग कर रहे हो तो इसका फायदा जरूरी से भी मिलेगा, बस यहां पे 200 और 125 वर्ड में लिखना है, वहां पे 700 वर्ड में लिखना पड़ेगा, तो उसको और कॉम्प्रिहेंसिव करके कर लीजिएगा। 3-4 ऐसे जरूर लिख के जाइएगा, ऐसे के कुछ टॉपिक्स मैं बता दूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक्स पे, सारा बिल्कुल 360 डिग्री एनालिसिस न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, पूरा मतलब आपका कच्चा चिट्ठा आप उस टॉपिक का खोल सको ऐसा होना चाहिए। हिस्ट्री में क्या था, क्या है, कब है, क्यों है, किस लिए है, अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है, करंट क्या चल रहा है, सरकार की तरफ से क्या रिकमेंडेशन है, आप क्या सोचते हैं, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, कंक्लूजन क्या होना चाहिए, इंट्रो कैसे करेंगे, कोई और लाइन जोड़ सकते हैं आप उसमें, प्लस बीच बीच में फ्लो चार्ट उसमें घुसेड़ सकते हैं, ये सारी चीजें, ये वाली चीजें आप आंसर राइटिंग में भी जब GS 1, 2, 3, 4 की करिए तो उसमें भी करिए। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, ये चीज कई यहां पे यूपीपीएससी में ऐसे केसेस हुए हैं पहले कि इंग्लिश मीडियम वालों की कॉपी हिंदी वाले चेक कर देते थे या फिर हिंदी वालों की इंग्लिश वाली कर देते थे, इसीलिए जो एक्चुअली बहुत ज्यादा एजेड प्रोफेसर होते हैं उनको बुकिश लैंग्वेज ज्यादा पसंद होती है, ज्यादा क्रिएटिव अगर आप करोगे कि सिर्फ लोहित चार्ट बना के छोड़ दोगे तो नंबर ही काट लेते हैं वो लोग, लेकिन अगर आप एक बैलेंस वे में आंसर लिखोगे कि अपना एक शुरुआती कुछ पैराग्राफ लिख दिया पहले 2-3 लाइन का इंट्रोडक्शन का, उसके बाद कुछ एक आध फ्लो चार्ट बीच में बना दिया, फिर कंक्लूजन अच्छे से लिख दिया, सिर्फ उतना लिखना है जितना क्वेश्चन में पूछा गया है, ज्यादा लिबिर लिबिर मत करिए अदरवाइज वो हौक देंगे आपको वो टीचर।
मेंस में, फिर वो नंबर नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए जितना पूछा गया है मेंस के क्वेश्चन में सिर्फ उतना टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करिए। और क्वेश्चन के कई सारे टाइप होते हैं, क्रिटिकल एनालाइज, एक्सप्लेन करिए, एनालाइज करिए, ठीक है, इवेल्युएट करिए, इलेबोरेट करिए, ये सारे चीजों के मतलब समझ लीजिए। एक वीडियो है, मैं दे दूंगा अभी फ्री टेलीग्राम में, उसमें सारे शब्दों का मतलब बताया गया है। तो इसीलिए ये नहीं कि बस आपने एक जरा सी लाइन देखी कि अच्छा इस वाले टॉपिक में पूछा गया बस लिखना चाहूं। अरे भैया देखो तो उसमें पूछ क्या रहा है, एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है उतना ही लिखो, टू द पॉइंट लिखेंगे तभी आंसर में अच्छे मैक्सिमम नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, आंसर राइटिंग करनी तो जरूरी है लेकिन उसके लिए बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। जब आपके पास नॉलेज ही नहीं, पता ही नहीं, तो क्या करोगे, क्या लिखोगे फिर? ऐसे के लिए तीन चार ऐसे लिख के जाइए, ऑप्शनल को भी अपना स्पेस दीजिए। 10-12 घंटे के शेड्यूल में 4 घंटे के आसपास जीएस की आंसर राइटिंग करिए, ठीक है, 2-4 घंटे के आसपास आप जो है सब्जेक्ट का रिवीजन और बेसिक पॉइंट की अंडरस्टैंडिंग करिए, उसी में ऑप्शनल की भी बेसिक थ्योरी और ये आपने पहले क्लियर कर रखी होगी तो उसमें वो भी जो है किसी तरह से उसको मैनेज करिए। जो 4 घंटे की आंसर राइटिंग कर रहे हैं उसमें कुछ टाइम, आधा टाइम से ज्यादा, मतलब करीबन 2.5 घंटे के आसपास आप जीएस को जरूर दीजिए, 1-1.5 घंटा ऑप्शनल को भी दीजिए, क्योंकि ऑप्शनल भी 400 नंबर का है, ऑप्शनल में भी नंबर लाने पड़ेंगे, अदरवाइज कैसे आप करोगे। आप ये समझिए 1500 नंबर का मेज है, 800 के हो गए जीएस के पेपर, 300 का हो गया 150 हिंदी और ऐसे, तो 8×3=11 और 415, 1500 का है ना टोटल, तो सारे सेक्शन में आपको जो है बराबर वो करना पड़ेगा। आप चाहे तो हमारा पेट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मटेरियल भी पॉइंट वाइज मिल जाएगा, आंसर राइटिंग भी चल रही है। नहीं कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं है, मॉडल आंसर राइटिंग के वीडियो बिल्कुल देने जा रहे हैं फ्री में, बिल्कुल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रहा हूँ। मॉडल आंसर राइटिंग की प्लेलिस्ट आप देखिए, जीएस 1234 की प्लेलिस्ट देखिए, कुछ पॉइंट उसमें क्लियर है, कुछ और अपडेट करेंगे। बाकी डेली करंट अफेयर के लिए हमारा चैनल है ओनली करंट अफेयर, उसको आप फॉलो कर लीजिए। अगर उसके पुराने वीडियो भी देख लेंगे तो आप जो है आराम से उसकी पूरी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि जो डेली वहां पे वीडियो दिए गए उनका मंथली कंपाइलेशन करके दे सकता हूँ फ्री वाले टेलीग्राम में, लेकिन उसके लिए इस वाले वीडियो पे कम से कम 30,000 लाइक चाहिए। अगर 30,000 लाइक कर दिए तो डिटेल जो करंट अफेयर की मंथली पीडीएफ स्टडी फॉर सिविल सर्विस की, वो आपको 1 जनवरी, मतलब जनवरी 2021 से लेके अभी तक की दे देंगे। ऐसे कैसे लिखे हैं इसके लिए भी एक मैंने वीडियो बनाया है, आप इसको देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे के, जीएस के और हिंदी के हमने टेलीग्राम में दिए हुए, उनकी भी लिंक दे दूंगा यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, थोड़ी देर बाद अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी फीडबैक या फिर कोई कमेंट या कोई सपोर्ट चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताइए। एक और चीज है, यूपी स्पेशल को जरूर देखना, जीएस 1, 2 और 3 में है, पिछले सालों में भी क्वेश्चन आए हैं जी उसके यूपी स्पेशल के, हालांकि बहुत ज्यादा वेटेज नहीं था, 5-6% का वेटेज था सिर्फ इस बार, लेकिन लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से मुझे लग रहा है यूपी स्पेशल में अच्छा खासा वेटेज रहेगा। जीएस 1, 2, 3 में कम से कम 10-15% तो वेटेज रहेगा जरूर, मतलब पिछली बार से ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा। मेंस में हमने यूपी स्पेशल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मेंस के लिए हमने पेड ग्रुप में दे दिया है, अगर आप पेड ग्रुप में हैं तो आपको मिल गया होगा, नहीं भी है तो उसका वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा।